आप देख सकते हैं अपने फोन स्क्रीन के ऊपर एक जो लड़की की तस्वीरें देख रहे हैं, इलाज कराने के लिए पहुंची थी पर इसको अपना घर का नहीं पता, कभी द्रावड़ी की बताती है कभी कहीं की बताती है। और अपना आशियाना की टीम जो है वो यहां पर पहुंच चुकी है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। मेरी भी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि जो इसके घर वाले हैं उन तक जो है इनकी जो ये खबर है वो पहुंच पाए और उनका जो है पता लग पाए कहाँ की है। और अपना आशियाना की टीम है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ वे कहना चाहेंगे, क्या कुछ उन्हें जानकारी प्राप्त हुई थी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या जानकारी प्राप्त हुई थी आप यहाँ पहुंचे? देखिए हमारे साथ सेवा के अंदर हिमांशु ढींगड़ा भैया रहते हैं, अंशुल गोबर जी रहते हैं, उन्होंने देखा जैसे यहाँ से निकले कि एक लड़की है या एक लेडी है अर्ध नंगन अवस्था में यहाँ पड़ी हुई है, सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई है, बहकी बहकी बातें कर रही है। तो लगा कि मानसिक है, फिर उन्होंने अपना शहना आश्रम के साथ हमारे साथ सेवा से एसोसिएट है, फिर हमने कॉल किया और सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करते जा रहे हैं कि इसका परिवार पता लगे, क्योंकि इसके पास एक ये सिविल हॉस्पिटल की पर्ची निकली है जिसके ऊपर इसका नाम सोनम शर्मा है। सोनम कुछ भी अपना नाम सोनम बता ही रही है और हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन एड्रेस वगैरह नहीं है, एड्रेस वगैरह नहीं होता, ये अपने आप ही जो क्योंकि खुद बोल रही है मैं चंडीगढ़ में हूँ, रहती हूँ वहाँ पे, हॉस्टल लिया हुआ है, राज बब्बर से मिली हूँ, शेरगिल से मिली हूँ, यानी कि सारे फिल्म इंडस्ट्रीज और जिमी शेरगिल मेरे फ्रेंड है, फ्रेंड है, मतलब इस तरीके से तो ऐसे ही चलूंगी, मतलब कहते कितने पैसे लेगी, मतलब एक सीन है सोनम कर लेगी, थोड़ा सा अडल्ट है, मतलब तुझे जस्ट उसकी फ्रेंड बनना है और मैं तुझसे सिर्फ ये पूछने आऊंगा, लड़की तो मेरी वो है पर चाहता मैं तुझे भी हूँ, ये कहना है उन्हें, हम चाहते कहां के रहने वाले हो आप? ये सीन था, मैंने वो करा, उसके बाद मैंने कहा चंडीगढ़ भी रहते हो, चाहते रहो एक बार, चंडीगढ़ रहते हो आप? चंडीगढ़ रहते हो? हाँ जी मैं चंडीगढ़। आप मॉडलिंग करते हो? मैं अगर ये कहा से अगर जिम्मी शेरगिल है मैं तो नहीं, आप क्या काम क्या करते थे चंडीगढ़? मॉडल हूँ मैं चंडीगढ़, मॉडल हो और प्लस सर सोशल वर्कर, रेडी फड़ी यूनियन में पुलिस तंग करती है, हम पुलिस की माँ बहन कर देते हैं। नहीं आप यहाँ कैसे पहुँचे सर? वो ना मैंने अपने मैं गिर गई थी, अदरवाइज मेरा इलाज ना 32 हॉस्पिटल से चल रहा है, देखो मैं झूठ नहीं कह रही है, बहुत बुरा हाल है, ये टांग के भी है, टांग के पक गए थे ऐसे, तो ये दिखाना जरूरी था, एक्सरे आज रिपोर्ट नहीं मिली, डॉक्टर आए नहीं है, कल मिलेगी, उन्होंने कल बुलाया, अदरवाइज आज मुझे चंडीगढ़ जाना था, जिमी शेरगिल बोल रहा था कि आज ही। क्या कुछ नशे की दवाइयाँ भी मिली है? नहीं नशे की नहीं मिली है, डिक्लोफेनाक और एमोक्सिसिलिन है, चोट की दवाइयाँ हैं, जहाँ पे दर्द की और चोट की दवाइयाँ इसको दे दी गई हैं, नशे की दवाइयाँ खुद बोल रहे हैं लेकिन है नहीं इसके पास। अब हम इसको ले जाके काउंसलिंग करेंगे, जो भी इसका बेस्ट से बेस्ट होगा वो हम इसका प्रयास करेंगे, और भगवान जी ने चाहा तो ये शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो और अपने घर पहुंच जाए आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और अगर नहीं पहुंचेगी तो अपना आशियाना आश्रम में इसको। आप देख सकते हैं अपना आशियाना से हैं वो, अभी से लड़की को यहां से ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने को जो मॉडल है वो बता रही है चंडीगढ़ में, ऐसा बता रही है कि काम करती हूं, फिलहाल यहां पर पहुंची थी, अब यहां पर अपना आशियाना की टीम जो है वहां पर जाकर इसकी काउंसलिंग की जाएगी और जल्द से जल्द इसके परिवार वालों तक जो है संपर्क साधा जाएगा। देख सकते हैं यहां पर सड़क पे नंगन अवस्था के अंदर ये जो है वो मिली थी, और जो चाय वाले हैं उनसे भी जानने का प्रयास जरूर करेंगे क्या कुछ वे कहना चाहेंगे। अंशुल जी क्या कहना चाहेंगे, क्या जानकारी मिली थी? बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके, ताकि इस बिटिया का अपने पता चल सके कि ये इसका परिवार का कौन है कौन नहीं, क्योंकि आजकल आपको पता है सड़कों के ऊपर लड़की का रहना ठीक नहीं है, वैसे तो कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ, बेटी को बचाना चाहिए, चाहे हमारी बहन भी हो किसी की भी हो, कि जल्दी से जल्दी अपने घर सुरक्षित पहुंच सके। क्या लगता है दिमागी रूप से ठीक? दिमागी रूप से ठीक नहीं है, कभी मॉडल बता रही है, कभी त्रावड़ी का बता रही है, कभी चंडीगढ़, कभी शेरगिल, दिमागी रूप से ठीक नहीं है, जो कि घर का पता नहीं बता सकी, तो जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर सके ताकि इस परिवार का जल्द से जल्द पता चले। आप देख सकते हैं अपने आशियाना की टीम जो अपील करती हुई नजर आ रही है कि इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि इस लड़की का जो है परिवार वालों का जल्द से जल्द जो है वो पता लग पाए। देख सकते हैं काफी जो है अभी हालात ठीक नहीं है, चोट भी लगी हुई है, फिलहाल अपना आशियाना इसे अपने पास रखेगा, अगर परिवार का पता नहीं लगता तब भी अपने पास रखेगा, देखरेख की जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, परिवार के बारे में कुछ पता है आपको? हाँ जी मेरी सिस्टर है, मैं आपसे बात करा सकती हूँ। कहाँ पे रहते हैं सिस्टर आप? वो ना वहाँ गए हैं शादी में। कहाँ पे? वो कुंजपुरा अपनी फ्रेंड की शादी में, छोटी सिस्टर। तो नंबर है सिस्टर का आपके पास? नंबर है हाँ जी। कहाँ पर है नंबर? मैं आपको दे देती हूँ। नंबर बता रही सिस्टर, बताओ नंबर क्या है, बताओ बताओ, आप बताओ, मिलाएंगे। सिस्टर का नंबर जो है मिलाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनसे संपर्क हो जाए, देख सकते हैं किसका नंबर है, वो भी देखने का प्रयास किया जाएगा। सिस्टर क्या है, आपको छोड़ के गई थी यहाँ पर? नहीं सर मैं वो तो घर पे नहीं थे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, पड़ोसी छोड़ के गए थे यहाँ पर? पड़ोसी छोड़ के गए हैं सिस्टर के? पड़ोसी, मेरे पड़ोसी, आपके पड़ोसी। आप कहाँ रहते हो? मैं तरावड़ी। तरावड़ी कौन सी जगह?
रोडान मोहल्ला। रोडान मोहल्ला, तो अभी आप चंडीगढ़ का बता रहे थे। चंडीगढ़ में मैं वैसे रहती, मैं एक दो दिन से आई हूं, मैं यहां नहीं रहती, मेरे पापा का मकान है, मतलब मेरा मकान है। अच्छा, आपके पापा के साथ रहते हो आप? मेरे पापा एक्सपायर हुए। अच्छा, उन्हीं का मकान है, उन्हीं के मकान में रहते हो? वो उनका अपना मकान है, वहाँ चंडीगढ़ में तो मैं रेंट पे रहती हूं, चंडीगढ़ में खरीदना इतना आसान नहीं होता है। तो आप घर जाना चाहेंगे आप? हाँ जी, आप देख सकते हैं लड़की ही अपील करी कि घर जाना चाहूंगी मैं। हालांकि देख सकते हैं अपना आशियाना की टीम यहां से अब इन्हें अपना आशियाना जो आश्रम है वहां पर ले जा रही कि वहां पर देख रेख की जाएगी, काउंसलिंग की जाएगी, अगर परिवार से बात होती है तो उनको बातचीत करके वहां पर बुलाया जाएगा। अपील आप सभी से, इस खबर को आप शेयर जरूर करें।